माही मनीषा एक रात का कितना लेती है? आप जेल से छूटे तो हमारा नौकरी वोकरी सब खत्म हो गया, अगर गंदे हैं तो सोने के बारे में सोचेंगे? यानी वो नाचती है तो रात में ही नाचती है, दिन में तो नाचती नहीं है। तो हमारा बिहारियों के साथ भेदभाव होता है, बहुत ज्यादा हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है, हिंदू त्यौहार नहीं मना सकता है। बंगाल की 60% लड़कियां जाकर वहां पे काम कर रही है, इज्जत से काम कर रही है, कोई यौन शोषण नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बंगाली बिहारी भाई भाई यहाँ पे मैं अनुप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर पास्ट पर। तो आज हमारे साथ दो शख्स बैठे हुए हैं, एक ऑफिशियल बीरू भाई राइटर जो यूट्यूब चैनल जिनका भोजपुरी सॉन्ग आता ही रहता है, आप लोग मेरे चैनल में इनको देख ही चुके हैं। और इधर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं एक सोशल मीडिया के चर्चित चेहरा जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और इनको कौन नहीं अभी जान रहा है। तो इनका घर एक्चुअली बिहार में है और अभी वो बंगाल की धरती पर आए हुए हैं। तो जब मुझे पता लगा कि बंगाल की धरती में चंदन उपाध्याय जी आए हैं तो मैं सोचा क्यों नहीं इनसे रूबरू हो जाऊं और बातें करूं और थोड़ा सा इनका एक छोटा सा इंटरव्यू ले लूं। तो चलिए, ये किस पर्पज़ से बंगाल की धरती नदिया डिस्ट्रिक्ट कल्याणी में आए हुए हैं बीरू भाई के पास और आखिर इनके ग्रुप के साथ क्या चल रहा है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चंदन उपाध्याय जी को हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल के सभी जनता को। और देखिए, बंगाल में आना हुआ है, बीरू भाई ऑफिशियल जो चैनल है वो यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिहार के बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ के लैंग्वेज समझते हैं। तो मेरा फ़ोन इंटरव्यू होता है, बिहार में भी हम मोबाइल से इंटरव्यू करते हैं, यानी कि एकदम ये क्या कहा जाता है कि जो कोई नहीं करता है, एकदम अलग है। दुनिया में जब तक कुछ अलग नहीं कीजिएगा तब तक आपको लोग नहीं देखेगा, तो इसीलिए हमारा इंटरव्यू वायरल होता है, हमारा कलाकारों से नोक झोंक होता है, हम इंटरव्यू ज़बरदस्ती भी लेते हैं। यहाँ आने का कारण है कि इनका चैनल 8 महीना से ही चैनल शुरू किए हैं, थोड़ा सा इनको बिहार के कुछ कलाकारों का ज़रूरत है और हमको यहाँ भी लोग सुनता है। तो यहाँ का लोगों का कहना था कि हम एक्टिंग भी कर सकते हैं, गाना भी कर सकते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि एक फील्ड में ज़्यादा दिन काम करने पे इंसान बोर हो जाता है, बार बार फ़ोन इंटरव्यू, बार बार फ़ोन इंटरव्यू, कलाकारों का इंटरव्यू। तो कुछ नया करने का कोशिश किया गया है। हाँ, 3 गाना शूट हुआ है जो इनके चैनल पर आएगा, एक लव सॉन्ग है बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, एक जो है सैड सॉन्ग है, और जो आजकल के माहौल में चल रहा है आजकल का जनरेशन में 60% लड़का जो है डिप्रेशन में रहता है लड़की की वजह से, और एक जो है इंटरटेनमेंट है जो रफ सॉन्ग बोला जाता है, वो फुल इंटरटेनमेंट है वो सॉन्ग है। तीनों गाना शूट हो गया, बहुत भारी भरकम बजट में गाना बना है। और बिहार के जनता से कहेंगे कि बीरू भाई ऑफिशियल जो ये इंसान है, बिहार से लोग जो यहाँ पे आते हैं, अभी तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं, इतना अनुभव हम लेके जा रहे हैं कि हमारा कल टिकट है, हमको जाने में आंसू तक आ गया है, इतना अच्छा व्यवहार है। तो यहाँ आके आप लोग काम कीजिए, हम बिहार में जाके इनका प्रचार प्रसार करेंगे व्यक्तित्व का। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पे पैकेज मिला था, पैसा मिला था, ऐसा बात नहीं है, व्यक्तित्व का। पैसा हम लोग घर बैठे कमाते हैं और हम किसी कलाकार के पास जाते नहीं, हमारा मोबाइल ही काफी है। फिर भी इनका प्यार था, इनका इतना ज्यादा वेल बिहेवियर है कि उतना दूर से आए, विश्वास पे आए। और बंगाल का लोग क्या बात है, यहाँ कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बिहारियों के साथ भेदभाव होता है, बहुत ज़्यादा हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है, हिंदू त्यौहार नहीं मना सकता है, ये सब गलत बात है। यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छा है और पहला बार हम बहुत सालों के बाद घर से बाहर निकले हैं तो यहाँ मेरा मन लग गया है, जबकि हमारा कोई परिवार का यहाँ पर नहीं है, एक अजनबी शहर में। बहुत अच्छा बिहेवियर है और काम हमेशा करते रहना चाहिए। बीरू भाई ऑफिशियल चैनल को हम एक नया ऊंचाई पर ले जाएंगे और ये हम गारंटी लेते हैं, गारंटी मतलब घमंड नहीं है, ये हमारा आत्मविश्वास है। इनका व्यवहार और इनके लोगों, ये जो लोग रखे हैं ना, टीम के लोग हैं, इतना ऑनेस्ट आदमी हम नहीं देखे थे एकदम। ये 43 डिग्री गर्मी में जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर जाते हैं, भीतर जाते हैं तो भीतर जाते हैं, फुल केयर किए हैं। तो बीरू भाई के लिए हम यहाँ के दर्शक के कहेंगे कि यहाँ के दर्शक लोग भी इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। मध्यम वर्ग भी नहीं कहा जाएगा, इन लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना है, उसके बावजूद भी कुछ नया क्रिएशन क्रिएट किए हैं, तो बंगाल के पब्लिक के लिए भी है और बिहार के पब्लिक के लिए भी है। आप लोगों को बता दूँ, चंदन उपाध्याय जी सभी लोगों का इंटरव्यू लेते आए हैं, आज मैं उनका ले रहा हूँ। तो इनसे एक छोटा सा सवाल है, मैं कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो देखा, कुछ उस सिस्टर का नाम क्या था, माही मनीषा, वो दोनों सिस्टर का नाम था। तो ये वीडियो का स्टार्टिंग किए थे कि दोनों बहन एक रात का कितना लेती है, शायद इंटरव्यू में उनसे भाई का बात हो रहा था। तो ये सुनकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि गलत चीज़, गलत वर्ड ये पूछते हैं, तो क्या पब्लिक का रिएक्शन, आप जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो कैसा रिएक्शन रहता है, आपको कोसते हैं?
कोसते हैं बहुत, जो हमको नापसंद करने वाले लोग हैं वो तो कोसेंगे ही। आखिर अगर हमारा लैंग्वेज गलत है, हमारा गलत रिएक्शन है, हम समाज के लिए खराब अश्लीलता फैला रहे हैं, फिर मेरा वीडियो दिन पर दिन वायरल कैसे हो रहा है बताइए। हमारे पास 4 चैनल हो गया, टोटल कुल मिला के 10 लाख का परिवार हो गया। तो ये एक इंटरटेनमेंट है सोशल मीडिया पे लोग, यहाँ सीरियस, ये कोई मंत्रालय नहीं है कि यहाँ सीरियस चर्चा होगा। सोशल मीडिया पे लोग इसलिए आते हैं कि थोड़ा हंसे गाए बोले, फ्रस्ट्रेशन अपना दूर करे। माही मनीषा एक रात का कितना लेती है? आप अगर गंदे हैं तो सोने के बारे में सोचेंगे? यानी वो नाचती है तो रात में ही नाचती है, दिन में तो नाचती नहीं है। तो हमारा सवाल जेन्युइन था। पब्लिक किस तरफ सोचता है, जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका सोच होगा। तो ये वीडियो 70 लाख लोगों ने देखा है, उसके भाई 70 लाख, ये बहुत बड़ा नंबर है। हर क्रिएटर, हर यूट्यूबर चाहता है कि हमारा वीडियो 1 मिलियन चल जाता, एम लग जाता। हम लोगों का हर 2 दिन पे मिलियन में चलता है। तो इनकम जो होता है वो तो होता ही है। एक परिवार बंगाल में आके लगा नहीं यार कि हम बाहर आए हुए हैं, तो कुछ कमाए हैं और आगे अभी और करना है, और अब दूसरों के लिए करना है। आपको बता दे भाई कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जितना लोग गाना बना के आता है वो हमसे प्रमोशन कराने आता है। यानी जो गाना का दुनिया है, ये लाइन है, इसके एक सीढ़ी ऊपर हम बैठे हुए हैं, फिर भी आज गाना हम कर रहे हैं वीरू भाई के लिए कि इनके चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो, लोग जुड़े और हमको देख के और लोग आए। चूंकि हम जब कहीं नहीं जाते हैं तब हम बंगाल में आके काम कर सकते हैं। तो आपका तो मेन बिजनेस यही है, नाच गाना, गाना गाना, फिल्म बनाना। हमारा ये बिजनेस नहीं था, फिर भी हम आए हैं। तो हम इसको बिहार में दूसरे तरीका से जाके प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहे हैं, व्यवहार प्यार लेके जा रहे हैं बंगाल से। अब नाता जुड़ गया है भोजपुरी का, सब कोई आएगा, और इनके टीम को भी हम पटना में बुलाएंगे। अच्छा, बंगाल की जनता जो है जानना चाहती है बिहार में एग्जैक्ट घर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। देखिए, हम लोगों का घर है पश्चिम चंपारण बेतिया, एक छोटा सा जगह है, और हम लोगों का सारा कारोबार पटना में होता है। और पटना में पूरा मतलब 8000 स्टूडियो चलता है। बंगाल की 60% लड़कियाँ जाके वहाँ पे काम कर रही हैं, इज्जत से काम कर रही हैं, कोई यौन शोषण नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से त्रिशाकर मधु वहाँ जाके अभी करोड़पति बन गई है, जबकि गई थी तो 1500 रुपये में डांस करती थी, उसका भी फ़ोन पर हमने इंटरव्यू लिया है। तो हमसे कोई सिंगर बचा नहीं है, कोई डायरेक्टर बचा नहीं है, बल्कि हमको खुद लोग कहते हैं कि हमारे चीज़ों को आप प्रमोट कीजिए, चूँकि हमारे पास व्यूज है। तो बीरू भाई ईमानदार आदमी है, और हमको अच्छा उम्मीद है कि बिहार के लोगों को यहाँ बुला के ये अच्छा काम कर सकते हैं। इनका चैनल बढ़, इनको बिहार में कंपटीशन नहीं करना है, बंगाल के धरती पे ये अपना काम करेंगे, बंगाल के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। बंगाली बिहारी भाई भाई यहाँ पे वैसे भी हर कॉलोनी में 60 से 70 हज़ार बिहारी रहते हैं, तो किस बात का भेदभाव है। अच्छा, और लास्ट 2 क्वेश्चन जी, ये जो सॉन्ग आपका आ रहा है, क्या इस सॉन्ग के बाद भी बहुत सारे सॉन्ग आएंगे, या ये सॉन्ग कब आएगा, ये 2 आंसर दीजिए। एकदम देखिए, 15 दिनों के अंदर में चैनल पे अपलोड हो जाएगा, और इसके बाद रंगदारी वाला गाना आएगा, क्योंकि अपडेट करते रहना चाहिए। आजकल रंगदारी चल रहा है, जनरेशन जो है आजकल खोज रहा है इस तरह का। तो अगर ये गाना अच्छा बन गया, चूंकि हम एक्टर नहीं है, धीरे धीरे अब अपने आप को अपडेट करके काम जब भी करेंगे वीरू भाई के साथ ही करेंगे। अच्छा, जाते जाते लास्ट एक छोटा सा प्रश्न, आपको कब लगा कि आप सोशल मीडिया में ऐसा कंटेंट दे सकते हैं और लोग आपके इस कंटेंट को पसंद कर सकते हैं? ये गाना वाला नहीं, आप जो इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, इंटरव्यू। देखिए, हम लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, हम जब जेल से छूटे तो हमारा नौकरी वोकरी सब खत्म हो गया। इंटरव्यू लेने जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जाते थे तो लोग देता नहीं था, लोग कहता था कि जेल से निकला है पागल है, मिलता जुलता नहीं था। तब हम फ़ोन करना शुरू किए 2-2 बजे 3-3 बजे रात को, लोग पागल कहता था, इग्नोर किया, बदतमीज कहा, क्या नहीं कहा। यही कारण है कि जिन लोगों ने इग्नोर किया था शुरू में, अब किसी के पास जाने का मन नहीं करता है, इंसान से नफरत हो गया है। यानी अगर हमारा फॉलोअर्स आज 10 लाख है तो आप अपने बिस्तर पे हमको सुला लीजिएगा, कल हमारा 10 हज़ार था तो आप हमको गेट पर से लात मार के भगाते थे, तो फिर हम क्यों जाए। अब आप हमारे पास आइए, आप गाना बना के हमारे पास आइए, हम प्रचार करेंगे। बहुत लोगों का चार्ज भी लेते हैं, बहुत लोगों का वैसे ही करते हैं, छोटा कलाकार से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन हम कितना लोगों का इंस्टाग्राम आईडी यूट्यूब आईडी गाना जो है प्रमोट करते हैं दिन भर घरे बैठ के। तो बाकी अपना काम भगवान के दया से चल रहा है, बंगाल का जनता भी हमारा वीडियो सुनता है, हम आके पता चला है, तो धन्य हो गया जीवन। अभी और अपडेट करेंगे और आगे तक जाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा चंदन उपाध्याय जी से बात करके, जो बिहार के धरती से उठकर बंगाल की धरती में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। इनसे बातें करके सीखने लायक 2 सबसे बड़ी बातें पता चला है। अगर लाइफ में सफल बनना है तो सबसे पहला चीज़ को इग्नोर करना होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। दूसरा बात है, जब आप सफल बन जाइएगा तो
जो आपको भगा रहे हैं वही आपको पास बुलाएंगे। आपको एक इंसिडेंट, बिहार का कोई ऐसा फेमस सिंगर नहीं है जिसका इंटरव्यू फोन पे ना चला हो, मेरे मोबाइल पे गाना सुनाता है लोग हमको। आप सोच के हैरान हो जाइएगा, अगर आपको बोला जाए कि फोन पे गाना सुनाइए आपको कैसा लगेगा, लेकिन हमने अपने आप को उस काबिल बना लिया। बड़ा बड़ा सिंगर, शिवानी सिंह जैसा, टुनटुन यादव जैसा, गुंजन सिंह जैसा, राकेश मिश्रा जैसा, और पता नहीं नाम गिनवाएंगे तो 50 मिनट का वीडियो। तो बिहार का कोई ऐसा फेमस क्रिएटर नहीं है, कोई ऐसा फेमस सिंगर नहीं है जो अब इंटरव्यू देने के लिए मना कर दे। तो ठीक वैसे ही जैसे हमको प्रताड़ना झेलना पड़ा था, बेइज्जती झेलना पड़ा था, आज वीरू भाई ऑफिशियल के लोगों को, इनको भी लोग बोलता है यहाँ पे कि बेवजह पैसा खर्चा कर रहे हैं, बेवजह लगे हुए काम में, बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कब कौन, कब किस्मत किसका चमक जाए। आप एग्जाम्पल में हम ही को ले लीजिए, पागल कहता था लोग पागल है, वो आएगा तो कैमरा में देख लेता था लोग, नहीं है पागल कहता था लोग, वो लोग आज फोन करते थे हम नहीं उठाते हैं। तो ये वक्त है भैया, कभी नाव पानी में रहता है, कभी पानी में नाव रहता है। तो किसी को हल्का मत समझिए, आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ सोचिए के आए होंगे, जबकि हम पटना के सिंगरों को घास तक नहीं डालते हैं, बात नहीं बतियाएंगे। तुमको फोन पे बतियाना तो बतियाना, तुम्हारे स्टूडियो में आने का टाइम नहीं। हम अभी बोलते हैं बिहार में हमको रहना है, बिहार के सिंगरों के बारे में बोलते हैं, हमको इंटरव्यू नहीं देगा लोग, हम क्रिकेट का न्यूज बना के जी लेंगे। मिलियन मिलियन व्यूज डेली डेली आता है डेली। तो ये पसीना जो देख रहे हैं ना, ये इसी का नतीजा है। आज घर में बैठे हुए हैं तो 15 महीना कुत्ता की तरह पूरा स्टूडियो स्टूडियो घूमे हैं। तो वीरू भाई को हम मोटिवेट कर देंगे, घबराइए मत, बिहार का लोग आपसे जब जुड़ने लगेगा ना तो आपका चैनल यहाँ पे इतना पॉपुलर होगा। आज हमारे बिहार में मनी मेराज को देख रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मुर्गा काटता था। तो किसी को भी कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हम यही कहेंगे लास्ट में। तो चलिए, इनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। ठीक, इनसे बीच बीच में हम लोग जुड़े रहेंगे, बहुत सारे इंटरव्यू आते रहेगा। तब तक के लिए आज का मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।